जयपाल तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जयपाल, सबसे पहले क्या है इस वक्त की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बताइए हमारे दर्शकों को, कोर्ट में किस तरह की दलीलें आज दी गई हैं? जी देखिए अदिति, आज की जो प्रमुख कार्रवाई का जो सबसे अहम हिस्सा था वो था एडवोकेट जनरल के द्वारा सरकार का पक्ष रखा जाना। एडवोकेट जनरल ने जब अपनी जिरह शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि हिजाब जो है वो रिलीजियस का प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, यानी उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये उनका पहला सबमिशन था। और उसके बाद उन्होंने कई तरह के, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने में आते हैं उस वक्त में एडवोकेट जनरल जब इस तरह के बहस में उतरते हैं तो उस वक्त में उनके ऊपर दो जिम्मेदारियां होती है, पहला सरकार का पक्ष रखना, दूसरा ऑपोजिशन की तरफ से जो सवाल उठाए गए होते हैं उनके ऊपर में उनका जवाब भी देना। तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो हिजाब है वो रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है और इसके ऊपर में वो डिबेट करेंगे, एक। दूसरा, उसके बाद सवाल ये उठे कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर, जो 5 फरवरी को गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया था, उसकी वैधता पर सवाल उठे और कोर्ट ने यह पूछा कि दरअसल इस ऑर्डर को जारी करने की जरूरत क्या थी। एडवोकेट जनरल ने स्पष्ट किया, उन परिस्थितियों को बताया जिसके तहत इस गवर्नमेंट ऑर्डर को जारी किया गया। ये गवर्नमेंट ऑर्डर को लेकर थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए, गवर्नमेंट ऑर्डर को लेकर थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए, गवर्नमेंट ऑर्डर को लेकर थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। गवर्नमेंट सियासत हो रही है जल्दी से जी। गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर में ये सवाल उठे कि ये 5 फरवरी का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको जो इशू किया गया तो उसे क्यों इशू किया गया और वो 5 फरवरी को क्यों इशू किया गया, जबकि सरकार वो कहती है कि उसकी तरफ से स्कूल कॉलेजेस के अंदर में किसी तरह की कोई ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इस पर जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने बताया कि वो जो क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से ये जो मामला था वो एक स्कूल से शुरू हुआ और कैसे वो धीरे धीरे पूरे स्टेट के अंदर में फैलता चला गया, उस स्थिति में सरकार को अपनी तरफ से एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करना पड़ा। इस पर भी कोर्ट ने सवाल किए कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया तो इसके अंदर में केरल के एक केस की चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी। तो एडवोकेट जनरल की तरफ से ये सारे स्पष्टीकरण दिए गए और उसके बाद सवाल ये आया, एडवोकेट जनरल ने यह स्पष्ट किया कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है इसके अंदर में सरकार अपनी ओर से कहीं नहीं कह रही है कि इस यूनिफॉर्म को पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये स्कूल कमेटी की तरफ से, यानी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से, ये CDC की तरफ से ये सजेस्ट किया गया है और उसको पालन करने की बात है। तो सबसे उसके बाद जो है कोर्ट का ये भी सवाल था कि CDC की वैधता पर भी सवाल उठे हैं, तो उन्होंने बताया कि दरअसल ये एक सर्कुलर के द्वारा, सरकार का एक सर्कुलर आया था 2014 में, उसके तहत इसका गठन किया गया था, MLA उसके चेयरमैन होते हैं, उसके ऊपर में भी सवाल उठे और उसके बाद हिजाब के ऊपर में जो है चर्चा शुरू हुई है, अभी लगातार चल रही है, जिसके अंदर में अपने अपने तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं और अभी यह चर्चा चलेगी। आज कोर्ट जो है लगभग 2 घंटे की कार्रवाई के बाद स्थगित हो गई है और अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को पुनः दिन के 2:30 बजे से शुरू होगी। जयपाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो आपको हम लगातार जी न्यूज पर ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, सवाल भी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। सवाल वही है रोज की तरह, पोल क्वेश्चन जो है जिसके माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि क्या हिजाब विवाद सुनियोजित साजिश है जैसा कि आरोप लग रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज सुनवाई का 6ठा दिन था। कर्नाटक सरकार द्वारा क्या कहा गया भैया? अभी आपने मेरे सहयोगी को कहते हुए सुना कि हिजाब को इस्लाम में कहीं भी जरूरी रिवाज नहीं माना गया है। स्कूलों में हिजाब बैन का उसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के मुताबिक है, लेकिन बावजूद इसके आप लगातार देख रहे हैं राजनीतिक बयानबाजी थम नहीं रही है। किसने क्या कहा है आपको यह सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हम आपको सुनवाएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं, एक तस्वीर जम्मू की है, दूसरी तस्वीर श्रीनगर की है। आपको समझना होगा ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं आज आपको, क्योंकि अभी आपने सुना कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला है, तो विवाद कहां का है? कर्नाटक के सरकारी स्कूलों का। लेकिन कोशिश क्या की जा रही है? पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले को सड़क पर ले आया जाए, खींच तान कर इसे देश भर में फैला दिया जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो सियासत को सूट करता हो। विरोध प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें हर राज्य से आ रही हैं और राजनीति क्या कर रही है? राजनीति इन्हें लगातार हवा देने का काम कर रही है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम लड़कियों से क्या कहा, यह सुनना भी आपके लिए जरूरी है। हिजाब और बुरका पूरे फक्र के साथ पहने, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी से प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी, ये कहना चाहिए कि ओवैसी ने दरअसल इन पर हमला किया और साथ ही ये पूछा कि जब हिजाब और बुरके वाली महिलाएं उन्हें पोलिंग बूथ पर मंजूर है तो फिर स्कूल में क्या दिक्कत है। कल आपको यह भी समझना होगा कि लगातार सियासत